What's up? Welcome back to our channel. So, आज हम जा रहे हैं रामनगर. आज पापा का बर्थडे है 27th of August. तो आज हमने प्लान किया है कि हम जाएंगे रामनगर. उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा. फिर देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या करेंगे. Then turn right. Head south. Then turn right. गलत रास्ते आ गए. Turn right. पागल हो गया ये टर्न राइट नीचे घर में क्यों बोल रहा टर्न राइट Oh my God, कहाँ से आ गए हम? पापा कहेंगे इतनी बार आ गए फिर भी गूगल से आ रहे हैं. नहीं मुझको पता है ये लो पकड़ो. मुझको पता था वहाँ से वहाँ जाना है. मैं तो आप आपकी बात मानूँ. चलो जाना. ये भी तो ट्रैवलर भी तो जा रहा है. Oh my gosh. Oh God. Okay. ऑफरोडिंग होगी हमारी. कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर्स. ओके अभी तो बोली थी टर्न राइट. यहाँ पे था तो मेरे ख्याल से हिमांशु. चलो चलो हैप्पी बर्थडे. बस
बर्थडे को भी काट दो, किसको भी काट दो। हो तो गया यार, तुम कट गया, तुम्हें खिलाना है चल मैं भी खिला लेता हूँ, हासिल कर देते हैं। चलो ये लग गया था ना, जाओ उधर जाओ ना, मतलब खाने भी नहीं, केक भी नहीं खाने, भूख लगी। क्यों क्या चलो खोलो। अच्छा वीडियो ले रही है? हाँ बैठ के खोल थोड़ा। Thank you.
कोसी नदी। और पापा साथ में है, जाना है। और मयंक भैया है, चुके हैं हनुमान धाम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंदर कैमरा ले जाना मना है, तो हम सिर्फ केवल बाहर से ही दिखा पाएंगे आप लोगों को। प्याज वगैरह लेना है अंदर भी, वो यहाँ आके ले सकते हैं। शर्ट भी लोगे? कौन सा है? व्हाट इज अप यू गाइस, तो आज हम पहुंच चुके हैं हनुमान धाम। ओह माय गॉड, निधि बेस्ट। सो गाइस, केवल बाहर से ही दिखा सकते हैं हनुमान धाम, लेकिन अंदर अलाउड नहीं है ले जाना। प्रसाद में थ्रेड मिला है, है ना जाना? दिखाना जरा अंदर प्रसाद। यही क्या होता है? सुन नहीं रहे? तो इसमें थ्रेड भी मिला है प्रसाद में, दिखाओ ना। धागा है, रोली है, मिश्री चना। दिखाओ थ्रेड, दिखाओ बस, एक थ्रेड ऐसी दिखा दो। हाँ, तो ये थ्रेड है। तो गाइस, आपको यहाँ पे आके, मतलब अगर आपकी कोई विश है तो मांग, आपको वो मांगना है, यहाँ पे बांधना है।
कितने लोग? प्रसाद खा रहे हो? खा लो खा लो। तो गाइज आप लोग अगर आपको हनुमान धाम आना है तो आप केवल बाहर बाहर का ही वीडियो निकाल सकते हैं, पिक्स खींच सकते हैं, लेकिन अंदर आपको परमिशन नहीं मिलेगा, अलाउड नहीं है। तो अगर आपको देखना है हनुमान धाम कैसा है तो आपको उसके लिए आना ही पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सुंदर है मंदिर। यहाँ पे सब प्रसाद खा रहे हैं। हाँ जाना ऊपर से। सीता जी रहती थी जहाँ सीता जी सीता माता को छोड़ था। ये तो अभी जहाँ हम जा रहे हैं उस जगह का नाम क्या है? पाटकोट। 27 किलोमीटर है यहाँ से। देखो टूरिस्ट जहाँ तो आ रहा है ये लिखा है पाटकोट। 27 किलोमीटर जाता है। 7 किलोमीटर। देखो टूरिस्ट जहाँ तो आ रहा है देखिए वो ही आ रहा है।
फिर गांव लग जाता है। अच्छा ये बढ़िया सब लोग हैं। लुक एट दिस गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू है ये। जाओ पानी में हाथ डालो। तो अभी हम यहाँ भी पियेंगे चाय एंड थोड़ी सी मैगी खाएंगे और पहाड़ों में चाय पीने का मजा ही कुछ और है गाइस। आपने कभी इस टाइप का गैस देखा है, आई मीन चूल्हा, चूल्हा कहते हैं ना इसको, चूल्हा। सो ये पूरा बना है मिट्टी का और वो जो अंदर है ये है। तो गाइस ये ऐसा चूल्हा है, आई मीन इसको क्या बोलते हैं अंकल, चूल्हा ही बोलते हैं ना। हाँ चूल्हा हुआ, मतलब ऐसे हम लोग इसमें भट्टी कहते हैं, भट्टी। अच्छा चूल्हा बोलते हैं उसको, देखने दो मुझे, बनाने दो वीडियो। तो ये है चूल्हा, इसके अंदर डलती है लकड़ियाँ। ये है चूल्हा, ये चूल्हा हो गया, थोड़ा बहुत भट्टी हो गया। अच्छा नीचे तंदूर हो गया, ऊपर भट्टी आते हैं। वही वही सेम चीज़ है ना, वो कोयले से बनता है, ये प्योर लकड़ी से। उस दिन हमने जाते समय इसको बता कर गए थे, खराब लगा था। तो ये बना रहे हैं हमारे लिए चूल्हे में चाय। तो आज हम पियेंगे चूल्हे की चाय, भट्टी है, भट्टी की चाय, सॉरी। ये नेचुरल फॉरेस्ट इतना डेंस है, तो जाओ तुम भी जाओ, जाओ वहाँ पर खड़े हो। ऐसा देहरादून के साथ वहाँ पे भी है, टाइगर प्रॉन एरिया है। कहीं मुझे यहाँ से शेर ले जाना, ले कहीं भगवान। ओह इसे कहते हैं दीमक का घर, घर बॉबी। तो ये अंदर से नहीं देख सकते,
ये लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। पत्थर से मछली मार रहे हैं। इसके ऊपर में जो व्हाइट और कॉइन दिखा ना लाल वाला है उसके ऊपर गाइस तो अभी हम घूम के आए हैं, तो अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आज हम वापस जा रहे हैं देहरादून की तरफ और बहुत मज़ा आया हमें इस ट्रिप में। इतना ज़्यादा नहीं घूम पाए बट नेक्स्ट टाइम होपफुली घूमने थोड़ी ऐसे आई मीन नेक्स्ट डे। हाँ वैसे तो हम स्पेशली बर्थडे के लिए आए थे बट नेक्स्ट डे तो घूमने ही गए थे ना 28th को। तो गाइस फिर कभी हम रामनगर का ट्रिप लगवाएंगे अच्छे से, मतलब पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे कितने कौन कौन से टेम्पल्स हैं। और ऑब्वियसली रामनगर स्पेशली कॉर्बेट के लिए बहुत ज़्यादा ही फेमस है, जिम कॉर्बेट के लिए कॉर्बेट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे, कभी हमारा फिर से यहाँ का ट्रिप लगा तो हम ज़रूर आपको कॉर्बेट का दिखाएंगे, थोड़ा सा नज़ारा व्यू एक्सप्लोर करेंगे और टेम्पल्स वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो गाइस यस वी विल कंटिन्यू आवर व्लॉग आफ्टर सम टाइम। अभी हमें बहुत ही लंबे सफर पे जाना है, इतना एक्चुअली इतना लंबा है नहीं,
5 आवर्स का ट्रिप है, 5 आवर्स ना, ऑलमोस्ट आई थिंक 200 समथिंग किलोमीटर है यहाँ से देहरादून. सो यस गाइस, सी यू देन.